सो व्हाट्स अप यूट्यूब, तुम सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइकिलिंग हेवन में। तो मेरे आज की वीडियो जो काफ़ी ज़बरदस्त है, मेरे पास एक साइकिल आई है रिव्यू के लिए, पॉलीगन कैस्केड 4। भाई पॉलीगन अब मेरा फेवरेट ब्रांड, पर्सनली मेरा फेवरेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यार, पॉलीगन कैस्केड 4 जो है मेरे पास 2018 मॉडल आया हुआ है, पर अब तो कंपनी ने 2020 लॉन्च कर दिया है। बस एक फ़र्क है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का फ़र्क है। 2018 में हाइड्रोलिक नहीं थी, 2022 में हाइड्रोलिक है। तो वीडियो पूरी देखना, और पूरी पूरी वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसका ऑफ रोड टेस्ट होगा, तुम लोगों के लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो वीडियो पूरी देखना, और हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले क्लिप वगैरह डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार जरा ओवरव्यू दिखा दूँ कि साइकिल देखने में कैसी है। तो फ्रेंड्स यार, फ्रेम की बात करें तो 6061 एल्यूमिनियम फ्रेम है, जिसके ऊपर काफ़ी जगह पॉलीगन की ब्रांडिंग हुई है, जैसे यहाँ फ्रेम के नीचे, ठीक है, और ऊपर कैस्केड की ब्रांडिंग हुई है, और यहाँ भी 4 और वहाँ भी 4, ठीक है। तो एक बार ज़रा साइकिल को देखो तुम लोग। हाँ तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यार, साइकिल में जो है ड्राइव ट्रेन जो है वो 8x3 की है, मतलब 24 गियर्स, पीछे कैसेट आती है, और जो इसका क्रैंक है वो शिमानो का है। बस एक मुझे ड्रॉबैक लगता है, जो शिमानो TX, भाई क्यों TX क्यों, एल्टस ही दे देते, इतनी गरीबी है। बस ये मुझे छोटा सा एक ड्रॉबैक लगा, पर ये भी इसे काफ़ी अच्छी शिफ्ट करता है। मैं तो उस बात को देख के हैरान था कि इतनी अच्छी शिफ्टिंग इसके साथ मिल रही है हम लोगों को। तो टायर्स की बात करें तो 27.5 इसमें टायर्स मिलते हैं, ठीक है, विद डबल वॉल अलॉय रिम, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें ट्रैक्स के टायर हैं, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, कि शायद चेंज हैं, क्योंकि मेरी साइकिल तो है नहीं, मेरे भैया की है, रिव्यू के लिए उन्होंने मुझको दी कि रिव्यू ले इसका, बता ज़रा कैसी है। तो वो पता नहीं कौन से टायर्स, और जो इसका हैंडल बार तुम लोग देख रहे हो ना यार, ये बिटवीन का एक्चुअली है हैंडल बार है, और बिटवीन की स्टेम है इसमें, तो वो चेंज और काफ़ी वाइड है, मतलब छाती चौड़ी जाती है इस हैंडल बार को चलाने के बाद, मज़ा आ जाता है। और ग्रिप्स की बात करें तो NTT की तरफ से इसमें ग्रिप्स आएंगी, जो कि पॉलीगन यूज़ करता है, और सीट भी इसमें NTT की तरफ से ही है, जैसे तुम देख सकते हो स्पोर्ट है तो मिट गया है वो, NTT नहीं मिटा नहीं है वो है, ये देखो NTT स्पोर्ट की तरफ से ही है। और पीछे से एक बार टायर की ग्रिप देखो कितनी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे टायर हैं ऐसे तो, ग्रिप ही काफ़ी हैं। और कैसेट भी है 8 स्पीड की, जो काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है। और ब्रेक्स की बात करो तो भाई साहब, ट्रैक्टरों की मैकेनिकल ब्रेक्स हैं, इनफ पावरफुल किसी भी टेरेन के हिसाब से, हाइड्रोलिक को आराम से मात दे देती हैं ये, फ्रंट एंड रियर दोनों में ट्रैक्टरों की मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, और ट्रैक्टरों के ही रोटर्स 160 mm के रोटर्स। एक बार सस्पेंशन देखो, SR संतूर की सस्पेंशन है, अब पता नहीं यार सस्पेंशन AL ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, और मतलब परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी है सस्पेंशन की, बस ये है कि क्विक रिलीज नहीं, आपका लॉकआउट नहीं आता, सिर्फ आपका वही आता है प्री लोड एडजस्टर ही आता है। फ्रंट और रेयर में आपको क्विक रिलीज मिल जाएगा। तो ये रही एक बार साइकिल, और हाँ इसके जो पेडल्स हैं वो प्लास्टिक पेडल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फिटेड है, जो कि कंपनी देती है, और यहाँ पे 2 एसेसरी माउंटिंग के पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये एक और फ़ायदा कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, जैसे कोई सोच रहा है लद्दाख जाने के लिए, तो कैरियर रेडी है, यहाँ पे एक होल, और ये देखो यहाँ पे एक होल, और दूसरी तरफ भी है, तो ये ईजिली इस पर कैरियर आपका लग जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ एक बार चेक करते हैं, तो वीडियो में पूरे बने रहना क्योंकि ऑफ रोड का तो मेन मज़ा है। तो चलो एक बार ऑफ रोडिंग पे मिलते हैं आपको। आई थिंक तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना मत जाना। तो बात करें कि साइकिल का प्राइस क्या है, और साइकिल तुम लोगों के लिए लेनी चाहिए वर्थ इट है कि नहीं। तो सुनिए, साइकिल का प्राइस इंडियन रुपीज़ है 27,000 इंडियन रुपीज़, और अगर तुम लोग ऑफ रोडिंग वगैरह ज़्यादा पसंद करते हो तो ये साइकिल तुम्हारे लिए बनी है, बिकॉज इसका जो फ्रेम है उसका इस रेंज में मुकाबला नहीं है। तुम तो अगर लॉन्ग राइड्स भी करना चाहते हो तो ठीक है, बस इसमें सस्पेंशन में लॉकआउट नहीं है, जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, पर अगर ऑफ रोडिंग का मेन मोटो है तो यू कैन गो फॉर इट।
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और राइट हैंड राइट से मिलते हैं अगली वीडियो में।